ये शख्स जब दुनिया से गया है तो डट के गया है, ये डट के गया है दुनिया से। हज्जाज बिन यूसुफ रात को सोया तो तड़प के उठा, क्या हुआ? घर वाले कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे सईद बिन जुबैर ख्वाब में आए और कहते हैं उठ मुझे बता तूने मुझे क्यों कत्ल किया, बता बता क्यों मारा। अगली रात फिर सोया तो वही ख्वाब, फिर सोया तो वही ख्वाब। गुनाह गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देता है, जुल्म तुझे मखबूतुल हवास कर देता है। जब तू ज्यादती करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तू अल्लाह को भूलता है, अल्लाह तुझे अपना आप भुला देता, फिर तू भूल जाता है, फिर तू सीधे रस्ते पे चलता है पर भटक जाता है, फिर तू सही रस्तों का तायुन करके भी गुमराह होता है, फिर तू रोज वही गाड़ी चलाता है पर अब जब तू ब्रेक लगाता है तो नहीं लगती। जब गुनाहों के साथ तू मखबूतुल हवास होता है तू रोज वो कारोबार करता है, लेकिन जब तेरे गुनाह तुझे घेर लेते हैं फिर उसी कारोबार में तू नुकसान उठाता है। हज्जाज बिन यूसुफ तड़पता है, रोता है, यहां तक के बीमार हो गया, पेट में दर्द होती है पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है पता नहीं, सारे हकीम तबीब डॉक्टर कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हत्थे नहीं चढ़ती, जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम तबीब इलाज नहीं कर पाते। मुश्किल और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब भी देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मैदे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है आखिरी, वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा, कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म जबर बर्बरियत के बीमार होते उन्हें सुकून कल भी मुयसर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बद परहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बद परहेजी से होती हैं उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू अल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलायदा कीजिएगा, दो चार करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने करतूतों का आदमी को, पता सारा है सरदार नीतियां का, जब पता होता है सारा, बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई? औरत है। कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह? तू कलमा पढ़ता है, हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम से कम एक बालिश एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से कम से कम, तो तू तेरी कब्र मिटा दे। वजह? पता होता है अपने जुल्मों का। कहने लगा मुझे पता है लोग मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी नहीं छोड़ेंगे, दुनिया में तो मेरे जबर की वजह से कोई आ ना सका लेकिन मेरी कब्र भी लोग जनाजों में बातें शुरू कर देते हैं। जनाजों में मैंने ऐसी भी दास्तानें सुनी है कि कोई मरा तो लोग जूतों का हार कब्र पे डाल आए। नहीं भाई, तू जब जिंदा था तो तेरे जबर जुल्म की वजह से नहीं को बोल सका। एक तो है कयामत में हिसाब होगा, यहां दुनिया में हिसाब होने लगता है। इतनी इतनी लंबी जुबानें लोगों की लटक कर मरते वक्त बाहर निकल आती हैं। दुआ करें, जुमा है, अल्लाह ताला ईमान की मौत अता फरमाए, दुआ फरमाए रब ताला।
अल्लाह तबारक व तआला तौबा करके जाने की तौफीक अता फरमाए। जागे जागे और सुने और दुआ करे, ए अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा, अगर हम ज्यादती करने लगे तो ए अल्लाह हमें उससे मना फरमा, हमें उससे तू ये तौफीक दे कि हम बाहर आ जाए उस गुनाह से। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है, और वो ज्यादा सख्त है, वो ज्यादा सख्त है। हम लोगों ने ना हीले बहाने बड़े बनाए हुए हैं। बैंक के साथ कारोबार करने वाला कहता है नहीं नहीं मजबूरन लिया है, मजबूरन मर रहा था तू, आखिरी लबों पे था तो जायज है, जायज है। उस वक्त जब तुझे खाने को लुकमा न लगे तो हराम खाना भी जायज है। क्या दिक्कत थी, क्यों अल्लाह रसूल के मुकाबले में खड़ा हुआ तू, क्यों सूद का धंधा किया, क्या क्या तकलीफ थी, क्या कहां तू उलझ गया था। हम जानबूझ के अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते हैं, फिर कहते हैं सुकून नहीं जिंदगी में, कहां सुकून आएगा, कैसे आएगा। हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, जो कयामत की सजा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें सामने खड़ा करेगा, और किस तरह खड़ा करेगा, फरमाया लोगों के वजूद से कपड़े उतर जाएंगे, जमीन इस तरह दहकेगी जिस तरह तांबा जमीन पर रखा जाए और आग जलाई जाए। तांबा देखा आप लोगों ने, ये भी गर्मी गुजरी है ना, तो फर्श पर जब सूरज पड़ता था तो नंगे पांव चला नहीं जाता था, सही कह रहा हूं, नंगे पांव, बच्चे का पैर जमीन पर लगता तो चीख उठते हैं, कहते हैं ओह जल गया पैर। हालांकि ये फर्श दुनिया के, और अगर तांबा, तांबे के अंदर खासियत है कि अगर कोई धात जल्दी और ज्यादा गर्म होती है तो वो तांबा है। मेरे नबी ने मिसाल दी तो उसकी दी जो सख्त था, फरमाया तांबे की तरह जमीन तपाई जाएगी और फिर नंगे पांव रब तुम्हें खड़ा करेगा। आज सूरत की पुश्त तुम्हारी जानब है, कयामत में मुंह तुम्हारी जानिब होगा। नेजा आपने देखा होगा, नेजा होता था, फरमाया ये जो तुम नेजे देखते हो सिर्फ सवा नेजे के बराबर सूरज करीब आ जाएगा और फिर अल्लाह तुम्हें सामने खड़ा करके तुमसे सवाल जवाब करेगा। और हुजूर ने कह दिया है तो अब किसी नात खां के कहने से बात बदल सकती, किसी पीर के कहने से जुमला बदल सकता, किसी खतीब के कहने से फिक्र ना करना, वो सामने जन्नत पड़ी है, अब मां बात बदल सकती। खुदा की रहमत पर भरोसा रखना जरूरी है, नबी पाक की शफात की उम्मीद रखना, बोलिए। लेकिन जो हुजूर ने बयान किया है उसको मानना भी, ये भी जरूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा और अल्लाह पूछेगा, तुमने जवाब देना है। हुजूर किस किस शय का, फरमाया जो पहनते हो उसका जवाब नहीं देना, जो खाते हो उसका जवाब नहीं देना, जो अल्लाह के रस्ते में देते हो उसका जवाब, बाकी हर शय का जवाब देना है। ओ उधर जो प्लाट है उसका भी जवाब देना है, और जो जी वो जो बच्चों को पैसे बताए हैं उनका भी जवाब देना है, जो छुपाए हैं उनका भी। सुम्माला तुसअलुन्ना यौमइज़िना अनिन नईम, जो कमेटी अपने महल्ले में डाली है उसका भी जवाब देना है, जो ससुराल के इलाके में अब्बा जी से चोरी डाली हुई है उसका जवाब भी, सबका जवाब देना है, तमाम हिसाब किताब। और अल्लाह फरमाते हैं मैं सामने खड़ा करके हर सवाल का तुझसे जवाब, तुझे हर सवाल का जवाब साहब। अच्छा, ये जो बड़े लोग थे वो हिसाब से डरते थे, हम छोटे लोग हैं हम हिसाब से हम नहीं डरते, हम कहते हैं देखी जाएगी। बड़े लोग जो थे वो हिसाब से, हजरत अबू बकर सिद्दीक दुआ कराया करते थे, दुआ करो अल्लाह मुझसे हिसाब ना पूछे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अपने बेटे से कहते थे बेटा अपने बाप के लिए रहमत की दुआ करना, मैं दरगुजर वाला हूं, मैं हिसाब वाला कोई नहीं। बड़े लोग डरते थे, बड़े लोग। हजरत उस्माने गनी कब्र पे खड़े होते थे तो दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी। गुलाम कहते हैं हुजूर तीन दफा नबी पाक ने आपको जन्नत की बिशारत दी है, तीन दफा बिशारत दी है तो आप क्यों इतना रोते हैं। उस्माने गनी फरमाते जिस रसूल ने मुझे जन्नती कहा है उसी महबूब ने मुझे फरमाया था उस्मान कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। और आप फरमाते मेरे तो कमरे में दिया गुल हो जाए तो मुझे डर लगता है, इसमें तो मुकम्मल अंधेरा है। आप फरमाते खिड़कियां बंद हो तो दम घुटने लगता है, इसको तो दरवाजा ही कोई नहीं, रोशनदान तक नहीं। भाई जो बड़े थे वो डर रहे थे, मौला अली शेर खुदा नमाज का वुजू करके कांपते थे, कांपते। अली आप मरहब के सामने नहीं कांपे, खैबर का दरवाजा उखाड़ते नहीं कांपे,
بدر، احد، خندق، حنین اور خیبر میں نہیں کانپے تو یہاں؟ آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے، بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ۔ آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے، حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا، ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے۔ یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعہ تم ودا، آئے ہم پڑھے۔ آج ایک فکر لے کر کے جانا، ایک سوچ، جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے، آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر لو، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی، ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے۔ حضرت حسن بصری، نام سنا ہوا ہے نا، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ، بچے تھے جب، حضرت حسن بصری تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا، رات کی تنہائی ہوئی، اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا، اس لیے ایک رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتا۔ کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے، اب تو ہوٹل ہے نا، تو خیمے لگتے تھے، لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے۔ فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں، ایک دردناک آواز آئی، میٹھی ہے، دھیمی ہے، پر درد بڑا ہے، کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا، اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا۔ اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ۔ پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا، میرے کانوں میں آواز آئی، کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں، اے اللہ میں قابل نہیں، مجھ سے حساب نہ لینا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا، پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا، میں تجھے کیسے حساب دوں گا۔ پھر تڑپنے لگا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے رونے والے نے، کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے، اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا، میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی، اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا، میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ، تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے۔ کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی، کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ کہتے لوگو جب میں نے زلفیں ہٹائی چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا، لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے، آج بہ جائیں گے سمندر۔ فرماتے میری چیخیں نکل گئی، یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے، یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے۔ فرماتے میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا، اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی، اور میں نے کہا حضور اٹھئے۔ امام اٹھے تو میں نے کہا او شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا، تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار، ادھر آؤ بزرگ ہو، میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو، میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، آؤ میرے لیے دعا کرو، اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے۔ کہا حضور نہ کریں۔ اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں گا، چل کر میرے لیے دعا۔ کہتے میں نے ہاتھ باندھے، حضور میں نہیں کر، کہا اٹھا کہ۔ فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اے اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے، یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے، یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر۔ وہ بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے، سسکتے تھے، بو علی ہیتی کہتے
खाना काबा में पत्थर पे सर रगड़ रगड़ के कोई बूढ़ा कह रहा था, ए अल्लाह अव्वल तो हिसाब ना लेना और अगर लेना तो मुझे अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा नहीं। इकबाल रो पड़े। इकबाल, कुछ लोगों ने लिखा है ये आखिरी रुबाई है डॉक्टर इकबाल की, आखिरी, इसके बाद शायद उसने कलाम में कुछ सीरत निगारों का ख्याल है। इकबाल मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, अल्लाह तू गनी है मैं तो फकीर हूं, रोज़े मक्शर उज़र हाय मन पजीर, ए अल्लाह अव्वल तो मेरा कोई उज़र कबूल कर लेना मक्शर के दिन, और अगर नाना करना हुआ अगर तुम्ही बीनन हिसाबम ना गुजीर, अगर जरूरी मेरा हिसाब लेना है, ए अल्लाह अगर तूने जरूर लेना है, ए अल्लाह अगर जरूरी लेना हिसाब, अव्वल तो मेरा उज़र मान लेना, मेरी कमजोरी पे रहम करना, ए अल्लाह मेरे बुढ़ापे पर मेरी कमजोरी पर रहम करना, अगर जरूर हिसाब लेना है, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, तो ए अल्लाह जरा हुजूर की निगाहों से ओझल करके लेना, ए अल्लाह मुझे शर्म आएगी, मेरे मुस्तफा करीम फरमाएंगे मैं तो तुझे हर बात समझा के आया, एक एक जगह तेरी रहनुमाई करके आया, तू कैसे अमल कमा, जरा जरा ओझल करके अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, जरा हुजूर की आंखों से ओझल करके साइड पे करके लेना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हजरत बुअली इती कहते हैं बाबे ने सर रखा हुआ है और कहते अल्लाह मुझे अंधा करके उठाना, फरमाते मैं गया, मैंने कहा चलो मैं दुआ करता हूं जाके, फरमाते जब मैंने जाके बुजुर्गों की कमर पे हाथ रखा उनका चेहरा देखा तो ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो बगदाद के पीर अब्दुल कादर जिलानी है, ये तो महबूबे सुभानी गौसे समदानी है, ये तो वो शख्स है जो कदम लगाए तो अल्लाह विलायत अता करता है, जो बड़े थे वो डर रहे थे, मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली गरीबे नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तन्हाई में बुला के कहने लगे मोइनुद्दीन सैयदजादा है, मोइनुद्दीन हुजूर के खानदान में पैदा हुआ है, मोइनुद्दीन से इसके पीर को बड़ी उम्मीदें थी, मोइनुद्दीन को रसूल पाक ने हिंदुस्तान भेजा था, पर कुतुबुद्दीन यार मोइनुद्दीन तबलीग का हक नहीं अदा कर सका। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहने लगे हुजूर 90 लाख तो मुसलमान कर दिए और क्या हक था, फरमाया नहीं जब तू तहज्जुद की नमाज पढ़े ना बेटा अपने लिए दुआ मांगना तो खुदा से कहना मौला मेरे पीर की कोताहियां माफ कर, वो जिस एजाज का था वो काम नहीं कर सकता, जो बड़े थे उनकी तो बातें बड़ी थी, ये जो हम छोटे आए हैं ना नए टिकटें देते फिरते हैं टिकटें, बेनमाजी जाहिल अनपढ़ पीर टिकटें बांटता है लोगों को, तू भी बख्शा है तू भी बख्शा है, वो 90 लाख लोगों को राय हक पर लगा के भी कहते थे नहीं हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक कोई शाही पल्ले नहीं, डटा हुआ खड़ा है मुसलमान डटा हुआ, ये हिसाब। सुने किसी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा ये कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपको भी बड़ी महबूब हो, हजरत अबू हुरैरा ने चीख मारी रोने लगे और बेहोश हो गए, फिर हिलाया पानी पिलाया उठे का हुजूर बात की थी हदीस सुनाए फिर रोने लगे, हमें तो नहीं ना रोना आता, हमें तो तब आता है जब बेटा बात ना माने, हमें तो तब आता है जब कारोबार में नुकसान हो जाए, हमें तो तब रोना आता है जब हमारा कोई दोस्त हमारे बारे में गलत बात कर दे, बेइज्जती दुनिया की हो जाए। हजरत अबू हुरैरा 3 दफा होश आया 3 दफा रोए और कहने लगे अजीजो ये वो वाली हदीस है कि मैं सोचता भी हूं तो मैं तड़प उठता हूं, का कौन सी हदीस, तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मैंने नबी पाक से सुना है कयामत में सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा, सबसे पहले उलमा का, रब करीम फरमाएगा तुम्हारी दीन के नाम पर बड़ी मौजें थी, तुम्हारे बड़े पोस्टर छपते थे, लाइनें बना के लोग तुम्हारे हाथ चूमते थे, लोग तुम्हारी घड़ी को भी चूमना अपने लिए सआदत समझते थे, बताओ मेरे रसूल के नाम पर खाने वालों क्या करके आए हो, अमल बताओ अमल, मौज बड़ी की ना तुमने, बताओ अमल,
उलमा आलिम अर्ज करेगा, अल्लाह मैं जगह जगह तेरे रसूल के दीन की बात करता था, मैं कुरान के दर्स देता था, मैं रातें बेदार रह के तैयारियां करता था, मैं जो बन सका किया। रब फरमाएगा नहीं, तूने तो इसलिए किया था कि लोग तुझे पीर साहब कहें, मौलाना साहब कहें, तेरे नारे लगाए तो लगे नहीं फिर तेरे नारे, फिर लोगों ने लंबे लंबे अलकाबात पुकारे नहीं तेरे। हुजूर सैयद आलम अलैह सलाम फरमाते हैं पहला हिसाब उसका लेगा जो आलिम कहलाता था। रब पूछेगा तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बोलने की सलाहियत दी, अपने फजल से दी, बता क्या कमा के आया है। हजरत अबू हुरैरा रोते हैं, कहते हैं मैं भी तो हदीसें सुनाता हूं, मैं भी तो आलिम हूं, मेरे पीछे भी तो लोग भागते हैं। लोगों बताओ अगर अल्लाह ने अबू हुरैरा से पूछा तो क्या जवाब देगा? अल्लाह फरमाएगा उलमा के लिए बुखारी मुस्लिम है, इन्हें उठाओ और जहन्नम में डाल दो। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर किसी आलिम को सजा मिली तो सख्त सख्त आलिम को मिलेगी। दुआ फरमाए अल्लाह मेरे जैसे लोगों को हिदायत का रास्ता अता फरमाए, और जो कहते हैं समझते हैं अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने दूसरे नंबर पर सखी अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाए, मालदार। रब फरमाएगा बोल, कुछ ऐसे भी थे जिनके पास शाम की रोटी नहीं थी, तुझे मैंने तेरी तिजोरी भर के तुझे दौलत अता की, तुझे विरासत में मैंने मुरब्बे दिए, जायदादें दी, बता। वो कुछ वो थे सवेरे मजदूरी करने जाते थे, कमा के लाते थे, हजारों रुपया तेरी बैंक में पड़ा था, बता क्या किया तूने? ऐ अल्लाह मैंने मस्जिद में दिए, मदरसे में दिए, 30 दिन अफ्तारियां पकाता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तू सारा कुछ इसलिए करता था कि लोग तुझे सखी कहे। हाँ हाँ तेरा ऐलान हुआ मस्जिद में, लोगों ने कहा वो देखो कितने पैसे दे रहा है इसका, वो देखो नाम लिखा हुआ है अस्पताल के एक कोने में कि ये वाला ब्लॉक फला सेठ साहब ने बनाया, ये देखो लिखा हुआ है कि ये कमरा मदरसे का इसने बनाया, तो लिख दिया गया, नारे लग गए, अब जा दौड़ जा, अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा। फरमाया फिर शहीद खड़ा किया जाएगा, हां भाई तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बता कहां खर्च की, कहां? ए अल्लाह शहीद ही हो गया। फरमाया वो तो इसलिए हुआ था कि लोग तुझे शहीद कहें, बहादुर कहें, तेरे नाम पे रोड का नाम रखा जाए, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी मिले, सो मिल गया। मेरे लिए बता क्या करके आया है, मेरे लिए इसे उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। भाइयों अजाब कड़ा है, अजाब सख्त है, हिसाब सख्त है, और जो हिसाब लेने वाला है उसको, मैं ना तरावी हो रही थी तो कारी साहब ने एक सूरह यासिन शुरू की, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह फरमाता है कयामत में मैं कहूंगा मुजरिम जो है ना वो सफों से बाहर आ गए, सफों से बाहर आ गए। एक हमारे फिजिक्स के टीचर होते थे तो बड़ी सख्त छड़ी मारते थे, तो जब वो कद भी बड़ा था, जलाल भी बड़ा था, और उसूल बड़े अच्छे इंसान थे लेकिन सख्त थे, तो मुझे याद आता था कि जब वो सवेरे आके कहते जिसने काम नहीं लिखा वो बाहर निकल आए, दो किस्म की चोट लगती थी, एक तो ख्याल जी आता था कि शर्मिंदगी बड़ी होगी कि सारे स्टूडेंट बैठे हैं और दो तीन चार उनको कहा वहां मुर्गे बन जाओ, बड़ी शर्म आती थी, और फिर जब वो मारते थे इतना सख्त मारते थे कि कई के दिन तकलीफ रहती थी, बताया नहीं जाता था। वो स्टूडेंट बताते थे यार इससे बचो किसी भी तरीके, और किसी का काम रह भी जाता था, कहते थे इस पीरियड की ड्यूटी सबक याद करके आना है, सख्त टीचर के बारे में तेरा मेरा ये रवैया है। तो याद आ रहा था जब वो कह रहे थे ना वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, तो मैं सफ में खड़ा था तो दो कतरे मेरे बह गए आंसू के। मुझे साथ बच्चा कहने लगा तबीयत ठीक है, मैंने कहा तबीयत तो ठीक है, कुछ याद आ गया है कि मादान मक्षर में, यहां तो छुपे हुए है ना ऐब, छुपे हुए। और भाई
रब बड़ा करीम है, ऐबों के बावजूद नवाजता है। मेरा दावा यह है अगर हमारे ऐब खुल जाएं, लोग हमें धरती पे जीने ना दें, लोग जीने ना दें, निकाल दें, अपने भी हमारे हमें बर्दाश्त ना करें, ये तो उसका करम है। पता सारा है सरदार नु कीतियां दा, पर्दा चपाया ही तेरा भला उसी। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह फरमाएगा मुजरिम बाहर आ जाए। या अल्लाह क्या होगा जब सवाल जवाब होंगे तो रब फरमाते हैं तेरी जुबान पे मोर लगा के बंद कर दूंगा, तेरे हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, सर बोलेगा, पेट बोलेगा। उस वक्त की फिक्र पैदा करें, टेंशन पैदा करें, बांध के जोर के साथ बांधते। सगा बेटा जब कब्र में दफन करता है ना तो वो भी कहता है वो कोना, ये कोना थोड़ा सा मिट्टी कम है, यहां भी मिट्टी डालो। पहले लोग रोजाना जाते हैं, फिर हफ्ते के बाद, फिर महीनों बीत जाते हैं। कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन पे खड़े हो तो लगता है कब्रें रो रही हैं और कहती हैं जाओ मेरे घर वालों से जाके कहो कोई फेरा ही लगा जाए, वो एक दफा आए तो सही, कोई मिट्टी नहीं डालता। बादशाहों की कब्रें रोती हैं, सरमायादारों की कब्रें रोती हैं, कोई जाता नहीं। इतने इतने मोटे सुराख है कब्रों में, आप अपने शहर के कब्रस्तान फिर के देख ले, सुराख है। ओ भाई, हजरत मौला अली शेरे खुदा कब्रिस्तान गए तो पहले रोने लगे, फिर कहने लगे कब्रों वालों क्या हाल है तुम्हारा। तो आप फरमाते मुर्दा मुझे अंदर से बोल के कहने लगा अली कफन फट गया, हड्डियां टूट गई, माल तो दे आए थे वारसों को पर हिसाब हमें देना पड़ रहा है, तू बता पीछे क्या हालात है। तो हजरत अली कहने लगे तुम्हारी बीवियों ने और निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, तुम्हारी औलादों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया, तुम्हारी जायदादें बट गईं, तुम्हारा पैसा तकसीम हो गया। पहले तो कोई तुम्हारा नाम लेता था, अब तो तुम्हारा जिक्र खत्म हो गया, अब तो एक दो नस्ल तक तुम्हारा जिक्र था, अब तो तुम्हें याद ही कोई नहीं करता। कहते हैं लोग यहां कोई रहा करता था, यहां कोई हुआ करता था, अब तो तुम किस्साए परीना किस्साए माजी हो गए। हिसाब का वक्त करीब है, तुम पर बड़ा जोर दिया है। एक अल्लाह को मानना, और अल्लाह को मानने का मतलब है नबी पाक को भी मानना, अल्लाह को मानने का मतलब है किताबों को भी मानना, कुरान पाक को भी मानना। लेकिन दो बातें आपको ज्यादा मिलेंगी, एक ईमान, और उसके बाद सबसे ज्यादा जोर है ईमान बिल आखरत पर, आखरत को मानो। वमिन الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, अल्लाह फरमाते हैं कुछ लोगों का दावा है कि हम अल्लाह और आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते, दावा करते हैं, निफाक का मुजाहरा करते हैं, मुनाफकत करते हैं। जो अल्लाह को मानने वाला होता है उसका रंग और होता है, जिसको पता होता है कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होना है उसके अमाल, ये नहीं मानते। कहते हैं हम मानते हैं, पर मानते, दावा है कि हम मानते हैं आखरत को भी और अल्लाह को भी, पर नहीं मानते। कयामत कायम होना जरूरी है, अगर वुकूए कयामत ना हो तो जालिम की तो मौजें लग गई, जाबिर तो मौज करेगा, फासिक और फाजर तो कहेंगे दुनिया में भी हम अपने इख्तदार के जोर पर जीते रहे, आज भी हमें पूछने वाला कोई नहीं। अकलन नकलन कयामत का कायम होना जरूरी है, कयामत कायम होगी तो मजलूम को उसके जुल्म पर दादरसी की जाएगी और जालिम को सजा मिलेगी। एक आदमी सारी जिंदगी दुनिया के अंदर लूट मार करता रहा, धोखा फरेब फराड करता रहा, उसकी रातें शराबो कबाब में गुजर गईं, वो मरे और बात खत्म हो गई, ठीक है मौज करके चला गया। एक आदमी सारी जिंदगी उसने अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए अपनी नजर की हिफाजत की, जुबान की हिफाजत की, यहां तक के दिल की भी हिफाजत की, वो भी मरे तो मामला खत्म हो गया। इस तरह तो फिर सरकश का कुछ बनेगा ही नहीं, निजाम जिंदगी सारी इसकी सोच खत्म होकर रह जाएगी अगर कयामत कायम नहीं होती। कयामत का कायम होना हक है, इसलिए कुरान मजीद ने एक जगह पे नहीं बीसियों जगह पे ये बयान फरमाया है कि कयामत जरूर कायम होगी, कयामत, और वो कायम होकर अपने सारे लवाजमात समेत
कायम होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम को हक मिलेगा, जालिम को सजा मिलेगी। जाबर उस दिन अल्लाह की बारगाह में रुसवा किए जाएंगे, जिन पर जबर करते रहे उन्हें अल्लाह के हुजूर से अता किया जाएगा। कयामत का वुकू होना जरूरी है, और कयामत तो जब कायम होगी तब होगी, दुनिया में भी ऐसा होता है। जुल्म का अंजाम ठीक नहीं होता, जबर का अंजाम, झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती। धोखे फरेब फ्रॉड मुलम्मा साजी, इन चीजों की उम्रें अल्लाह ने थोड़ी रखी है। वक्ती तौर पर जालिम को, धोखेबाज को, जाबर को जो मोहलत मिलती है, वो समझता है मेरी सियासत काम कर रही है, वो समझता है मैं बड़ा दाना हूं, बड़ा चालाक हूं, देख लो इतने जुल्म के, जबर के, धोखे के बावजूद बना हुआ हूं। हालांकि अल्लाह की तरफ से उसे मोहलत मिलती है और बड़ा ही मेहरबान है। मोहलत इस तरह देता है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरा मुसलमान नेकी करता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है 70 गुना बढ़ा के लिख लो इसकी नेकी, 70 गुना। और जब गुनाह करता है तो अल्लाह फरमाता है ठहर जाओ, अभी लिखना ना, इसे टाइम दो, या अल्लाह कितना, फरमाया 24 घंटे तो दो, हो सकता है तौबा कर ले, ये उसकी मेहरबानी है। अब वो जो अल्लाह ने मोहलत दी है ना कि शायद तौबा कर ले, लोग समझते हैं मेरी चालाकी की वजह से निजाम सेट चल रहा है, मैं बड़ा तेज हूं, 2-4-5 बातें बोलता हूं सब सही हो जाता है, लोग उसको अपनी दानाई समझ लेते हैं। हालांकि वो अल्लाह की तरफ से, फिरौन ने कई 100 साल हुकूमत की और इस तरह उसने जुल्म किए कि लाखों और हजारों बच्चे कत्ल ही करा दिए, 12,000 औरतों के पेट में हमल था उसने जाया ही करा दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले, रस्ते में दरिया आ गया, फिरौन पीछे लगा हुआ था, वैस फरकना बिकुम अल-बहर फअंजैनाकुम, अल्लाह फरमाते तुम्हारे लिए मैंने दरिया को फाड़ा और तुम्हें निजात दे दी, वह अगरकना आला फिरौन, और फिरौन को गर्क कर दिया, वान तुम तंजुरून, तुम खड़े देख रहे थे। अब जब हजरत मूसा दरिया के किनारे पहुंचे तो फिरौन भी पीछे आया। फिरौन लोगों से कहा करता था कि मैं कहता हूं तो दरिया चलता है, मैं कहता हूं तो हवाएं आती है, मेरे हुक्म के पाबंद है सारे, जाग रहे ना आप हजरात, गौर फरमाइएगा बात पर, दावा था उसका कि मैं कहता हूं तो निजामे जिंदगी चलता है। अब जब दरिया के किनारे पहुंची हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप असा मारें, जनाबे मूसा ने असा मारा, 12 रस्ते बन गए। अब हजरत मूसा की कौम गुजर रही थी तो फिरौनी फिरौन से पूछने लगे कि तू तो कहता था मेरे हुक्म से चलता है, तो वो तो हजरत मूसा ने डंडा मारा है, तो रास्ता बन गया। बाज नहीं आता इंसान बाज बने बड़े हैं, इसके पास बड़ी दलीलें हैं, झूठ सच बोल के अपने आप को मुतमईन करता है, आखिर दम तक तब्दील होने को तैयार नहीं होता, दलीलें घड़ता रहता है, बनाता रहता है, शोर करता है। जाने हुक्म दिया है कि जरा फट जा, मुझे ये जिंदा चाहिए। बाज रस्सी जल गई, बल कहने लगा मैंने ही कहा है दरिया को कि ये मुझे जिंदा चाहिए, मेरे भागे हुए हैं तो इसलिए फटा है, तो आओ मेरे साथ दरिया क्रॉस करें। तो पता तो उनको भी था ना, जितना तो रब बना हुआ है, पता तो था, सारे जानते थे। कहने लगे तू पहले क्रॉस कर, अगर तू बच गया तो हम भी पीछे आते हैं। अब चारों ना चार, एक रवायत तो ये है कि ये जब खुदाई का दावा करता था ना, तख्त पे बैठा होता था, तो एक दिन हजरत जिब्रील आए इसके पास इंसानी शक्ल में, तो कहने लगे मैं बड़ी दूर से आया हूं तो एक मसला पूछना था। का पूछो? कहने लगे एक गुलाम था किसी बादशाह का, तो बादशाह ने उसे थोड़ी देर के लिए एक इलाके की सरबराई दे दी। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए हमें सरबराइयां मिलती हैं? क्यों जी? थोड़ी देर के लिए मिलती है ना, थोड़ी देर के लिए सरबराई दे दी एक गुलाम को। जरा बात को समझिए, हजरत जिब्रील पूछते हैं, कहते हैं सरबराई मिल गई। अब वो मालक ही बन के बैठ गया है, वो बात ही नहीं सुनता, उसको थोड़ी देर के लिए बनाया था, वो तो खुदाई का दावा करने लगा है। आप बताएं उसका अंजाम क्या होना चाहिए, यह मसला पूछने आया हूं। तो फिरौन कहने लगा उसका अंजाम यह है कि उसे पानी में गोते दे दे के मार दे। अंजाम क्या है? बोलिए बोलिए क्या अंजाम है, क्या अंजाम है जी? पानी में, अल्लाह अकबर, अपनी सजा तजवीज कर रहा है।
उसकी सजा के उसे पानी में गोते दे दे के मारो जालिम को, उसे थोड़ी देर के लिए बनाया था और वो छा ही गया है, कब्जा ही कर गया है। हजरत जिब्रील कहने लगे जी आप लिख के दे देंगे। कहने लगा लाओ लिख देते हैं। लिखवा लिया जनाब जिब्रील, रुका लेके तशरीफ ले गए। अब जब फिरौन दरिया में आया ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया मिल जा, जब दरिया मिला चीखने लगा तो हजरत जिब्रील आए, कहने लगे तेरा ही फतवा है, ये तेरी सजा ही है ना, हम भी बड़ी सजाएं तजवीज करते हैं, ये झूठा है जी, इसका तो फलाना इलाज होना चाहिए, तो अगर तू झूठ बोले तो ये फलाना बड़ा जावर है जी, इसके साथ इस तरह होना चाहिए, तो अगर तू ये काम करे तो, जो सजा तू लोगों के लिए तजवीज कर रहा है तो अपने बारे में भी सोच। अब जब गोते आए ना, आखिरी वक्त देखा, वो फिरौन जो कहता था मेरी मर्जी से दरिया चलता है, अल्लामा सावी ने तफसीर सावी में लिखा है तड़प के रोने लगा। जब ये मिजाज है, एक दफा ऊपर आता है आदमी, जब दरिया में जाता है ऊपर आया तो चीखने, ओ मेरे हवारी, ओ खुदा का वास्ता मुझे बचाओ। कहने लगे तू तो कहता था मेरी मर्जी से चलता है, बेबसी है, तड़पता है, रोता है, रोता है, वारसा मान करी ना वारसा दा, रब बे वारसा करके मारदा ही, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मदद को नहीं पहुंचता। अब जब आखिरी गोता आया तो कहने लगा आमन्ना मे रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा के रब को भी मान गया, हारून के रब को भी। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अब तेरा मानना काबिले कबूल है, उस वक्त मानना था जब तुझे मोहलत दी थी, जब तू जवान था, बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, जवान आदमी बीमारी का शिकार होता है तो कहता है या अल्लाह एक दफा सही कर दे मैं सारी पढ़ा करूंगा, एक दफा ठीक कर दे मैं मस्जिद में रहूंगा, मैं अगले साल इतकाफ भी करूंगा, मैं सारी तरावियां पढ़ूंगा। तो उस वक्त पढ़नी थी जब तुझे मोहलत दी थी, उस वक्त पढ़ना था जब अल्लाह ने तुझे आसानी दी, जिंदगी दी, अगला वक्त ये हाल एक का नहीं हुआ। नमरूद को देख ले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहता था मैं रब हूं, आपने फरमाया रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। एक मौत का कैदी बुलाया, कहने लगा हाँ भाई कितने दिन रह गए थे फांसी में, कहने लगा जी परसों होनी थी, कहा जा तुझे आजाद किया, लो मैं भी जिंदगी देता हूं। एक बेगुनाह आदमी को पकड़ के कत्ल कर दिया, कहता मैं भी मारता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे तू तो बेवकूफ हो जैसी दलीलें दे रहा है, चल इस तरह कर, मेरा रब सूरज मशरक से निकालता है, तू अगर रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। अब दलील का जवाब कोई नहीं था तो कहने लगा पकड़ो और आग में डाल दो, अल्लाह के नबी को आग में डालने वाला। यहां एक मच्छर बैठा है, 400 साल हुकूमत की और खुदाई का दावा किया, यहां मच्छर बैठा था, छींक आई तो मच्छर अंदर चला गया। पहले दरबार का अदब यह था कि जो आए सजदा करे, अब उसके सर पे कोई चीज मारता था तो उसे सुकून होता था, मच्छर थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग छोड़ता था। ओ भाई ये इस धरती पे अल्लाह ने लोगों को नजारे दिखाए और हमें समझाने के लिए दिखाए, हमें तफक्कुर की गौर की दावत दी के देख लेना, अपने अमल को परखना, तुम्हारे अमल हजरत मूसा के फरमा बरदारों जैसे हैं, जनाब इब्राहिम के फरमा बरदारों जैसे हैं या बन के बैठ गए हो। अब दरबार का अदब यह है, बेबसी का यह हाल है कि जूते लटकते हैं दरबार में, जो आता है जूता खींचता है, और अदब यह है कि 10 जूते नमरूद के सर पे मारो, और 400 साल जूते लगते रहे। रोता था जो आदमी आता था, मिन्नतें करता था, कहता था कहीं से कोई दवाई मिल जाएगी, पागलों जैसी जिंदगी गुजारी, पागलों जैसी, पागलों जैसी सख्त, वो तो हिसाब, वकूए कयामत तो हिसाब होगा ही, यहां लोग पागल होके मरते हैं, माज़ल नफ्सियाती मरीज होके मरते, यहां आखिरी वक्त इतना सख्त आता है कि दुनिया मौत की दुआएं मांगती है। मेरे भाई जब इंसान जुल्म करता है तो भूल जाता है कि शायद मुझे पूछेगा कोई नहीं, जब वो ज्यादती करता है तो भूल जाता है, जब वो किसी का हक खाता है तो वो कहता है शायद इसका तो वारस ही कोई नहीं जिसको मैं लूट रहा हूं, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है। अज्जाद बिन यूसुफ जालिम था, उसने अच्छे अच्छे काम भी किए थे, कुरान पाक पर जेरे जबरें आराब अज्जाद बिन यूसुफ ने लगवाया, मोहम्मद बिन कासम को हिंदुस्तान सिंध के इलाके फतह करने भी अज्जाद बिन यूसुफ ने भेजा था, सारी खूबियां अपनी जगह पर, जालिम बहुत बड़ा था। किसी आदमी ने उसके सामने कोने की तरफ मुंह करके साथ वाले से बात कर ली तो कहने लगा मेरे खिलाफ किया, इसको ले जाओ दो टुकड़े करके वापस ले आओ। तूती बोलता है ना इक्तदार,
जब किसी के हाथ इख्तदार होता है ना, वो चाहे एक घर का क्यों ना हो, वो 10 बंदे फैक्ट्री में काम करते हो और जो उनका मालिक होता है वो कहता मैं मालिक हूं, मुझे मानो। जब तू साहिब इख्तदार होता है ना, जब तू सुसर बन के बैठता है और किसी गरीब घर की बहू आती है दो चार, तो कहता मेरा इख्तदार होना चाहिए। जब मैं खांसने लगूं तो हर आदमी के हाथ में टिश्यू पेपर होना चाहिए। जब मैं बोलने लगूं तो बंधे हुए हाथों से हर आदमी जी जी करता हुआ खड़ा होना चाहिए। जिस आदमी का, और ये काम बहू भी करती है कई दफा, वो भी कहती है कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना लंबा थोड़ा जहेज लेके आई हूं, जब मैं सोने के लिए अपने बेडरूम में जाऊं तो खबरदार बूढ़े बाबे को इजाजत नहीं कि वो खांसे। अम्मा को चाहिए कि अगर उसको बड़ी सख्त प्यास भी लगी तो मेरे सोते सोते बर्ती खाने में बर्तन ना खटखटाए। जो जहां भी जिस स्टेज पे भी बैठता है वो कहता है कोई नहीं मुझे पूछने वाला, मैं मुतले को लेनान हूं। जवान बूढ़ों का मजाक उड़ाते हैं, समझते हैं शायद कभी बूढ़े नहीं होना, मजाक उड़ाते हैं। तंदुरुस्त लोग बीमारों का मजाक उड़ाते हैं, शायद कभी बीमार नहीं होना। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जब रब की लाठी चलती है तो उसकी आवाज जी, उसका पहले कोई पैगाम, वो पहले ऐलान नहीं करता कि तगड़े हो जाओ लाठी चलने लगी है। लाठी चलती है पर उसकी आवाज, समझ आ रही है मेरी बात की? जुमातुल विदा के लिए तशरीफ लाने वाले आवाब खास गौर फरमाइएगा। हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि हजरत सईद बिन जुबैर ने मेरे खिलाफ बात की, बुला लिया। कहने लगा तूने मेरे खिलाफ बात की है? फरमाने लगे की है। कहने लगा तुझे पता है मैं कत्ल कर दूंगा? आप फरमाने लगे ना तू जिंदगी का मालिक है ना मौत का मालिक है, तू कैसे कत्ल कर? कहने लगा तुझे पता है मेरा? फरमाया मैंने तुझे नहीं, मैंने तो कई शद्दाद, कई हम्माद, कई कारून, कई फिरौन, कई नमरूद देखे, कईयों की दास्तानें सुनी, तू कौन है? तू तो छोटा सा है। एक जुमला है मुल्ला जलालुद्दीन रूमी का, बड़े दरवेश थे, एक बात कह गए। कहने लगे नमरूद जितने पैसे नहीं, फिरौन जितनी हुकूमत नहीं, कारून जितनी दौलत नहीं, वरना फरमाने लगे मेरे जमाने में भी कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है, कई लोगों का दिल करता है, लेकिन नमरूद जितने पैसे, फिरौन जितनी ताकत और कारून जितनी दौलत नहीं, वरना हो सकता है लोग दावा कर जाए। माशाल्लाह सुम्मा माशाल्लाह, ये आज से कई सौ साल पहले वो कह रहे हैं। आज तो हालात बड़े अबतर है, उसकी निस्बत खतरनाक। फरमाने लगे